हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सो आज मैं स्कॉटलैंड आया हुआ था, अबरडीन सिटी में। सो यहाँ पे अभी वेदर काफ़ी अच्छा हुआ है और सनी वेदर है और दिन का अभी एक बजा हुआ है। तो मी और मेरे फ्रेंड्स ने कुछ प्लान किया आउटिंग का। सो आज हम जाने वाले हैं बुलर्स ऑफ बुकान। एक्चुअली नाम बहुत अटपटा है बट ये जगह बहुत अच्छी है। सो चलिए चलते हैं और डिस्कवर करते हैं कि यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग है। और इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना है यहाँ, जब मैं स्कॉटलैंड, मेनली ईस्ट कोस्ट में है स्कॉटलैंड के, और अभी जहाँ मैं हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ अबरडीन, आई थिंक वहाँ से अराउंड 30 माइल्स से। सो हमें कार से इट टेक्स अराउंड हाफ एन आवर। सो हमें वहाँ पर आधा घंटा लगेगा। सो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या हम इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें हम, मतलब यहाँ पे नया है स्कॉटलैंड में एक्चुअली। सो ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं विज़िट के लिए आफ्टर लॉकडाउन यहाँ पे जा रहा हूँ कहीं पे। सो देखते हैं और विज़िट करते हैं। सो लेट्स एंजॉय विद मी गाइस। तो अभी हम फ्रेंड्स के घर पे आए हुए हैं। सो कुछ इंडियंस भी हैं फ्रेंड्स मेरे, सो वो भी जाने वाले हैं साथ में, तो उनको भी यहाँ से पिकअप करना है। सो उनको पिकअप करते हुए चलते हैं। सो हम पहुंच चुके हैं स्लेन कासर। यहाँ से हम निकलेंगे, यहाँ से हाफ माइल है। हाफ माइल जाने के बाद स्लेन कासर, मतलब एक अजनबी नाम है, अजीब नाम है, तो वो आता है तो स्लेन कासर आता है। सो मैंने जब मैं यहाँ से निकला था तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे स्लेन कासर भी है। आवर जर्नी है, मतलब हम जाने वाले थे बट स्लेन कासर भी है। सो पहले स्लेन कासर विजिट करते हैं, देन पीटर हेड आएगा और फिर उसके बाद अपन बुलर्स पे पहुंच चलेंगे। जो किया का नॉट लाइक दिस एक्चुअली, दिस गाइस, दिस इज डन बाय मशीन ओनली, दिस होल्डिंग एंड एवरीथिंग, ऑल दिस थिंग्स। सो व्हाट वी से लाइक दिस थिंग, हेयर रोल्स। ओके, दीस आर बार्ली आई थिंक, बार्ली। ओके, दे हार्वेस्ट इट विद मशीन्स। ओके, देन रोल इट, इट्स ऑल डन बाय मशीन ओनली। ओह माय गॉड, इट्स गुड आई थिंक। यहाँ पे मैं पहली बार आया हूँ। सो चलिए चलते हैं और देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि क्या यहाँ पे इंटरेस्टिंग है एक्चुअली।
की जगह है, बहुत ही फेमस, और यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा व्यू है। सो देखते हैं ये जगह, सो मैं आपको दिखाता हूँ चलते हुए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम बुलर्स ऑफ बुकॉन जाने वाले थे, बट जब हम बुलर्स ऑफ बुकॉन के लिए निकले थे तो रास्ते में ये जो स्लेन कासल पड़ता है, सो अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं इसको देखने के लिए कि यहाँ पे है क्या एक्चुअली। सो हम मिडल वे में हैं, बट यहाँ पे रुके हुए हैं। यहाँ का व्यू देखिए आप, इस रियली अमेजिंग व्यू, ग्रीनरी है यहाँ पे, यही इस प्लेन की खास बात है कि यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है। स्कॉटलैंड इज लाइक वेन फ्रॉम हियर, सो आई जस्ट गॉट लाइक, ये विलेज एरिया है। जब हम हाईवे पे आ रहे थे तो हाईवे पे भी हमें लगा था कि मतलब टू वे हाईवे नहीं है, मतलब वन वे ही है। तो विलेज एरिया में हाईवे ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर विलेज एरिया स्टार्ट हो गया, और वेदर मतलब कभी यहाँ पे धूप निकल रही है, कभी वेदर क्लाउडी हो रहा है। सो वेदर काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है इस जगह पे। और साइड व्यू जैसे देख सकते हैं, पुराना है, खंडर टाइप में मतलब बना हुआ है। नज़ारा लग रहा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़ारा लग रहा है, और ये खंडर है यहाँ के, कह सकते हैं स्कॉटलैंड के खंडर। इधर से चुके अंदर, और काफी लगता है काफी पुराना है, और अब कितने गेट्स बनाए हुए हैं इन्होंने। फायर किया हुआ है, लोगों ने पार्टियां की है। पार्टियां चल रही हैं।
Actually, this place is like good for shooting, you know. Shoot something like some movies. गाइस, सो यहाँ हमने काफ़ी मतलब यहाँ से हम निकल चुके हैं, जो स्लेम कासल है। अब हम नेक्स्ट जो जगह जा रहे हैं वो भी लाइक यहाँ पे लाइक मैंने पहले बोला था कि हम बुलर हैं और बुकॉन के लिए निकले थे, सो अब हम यहाँ से बुलर और बुकॉन के लिए निकलेंगे। बुलर ऑफ बुकान मतलब काफ़ी वो भी अच्छा जगह है, वो भी ऐसा ही है, सिमिलर है, बट चलो देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ नया है। सो वो भी सीइंग सी बर्ड और साइट सीन के लिए फेमस है। और अभी ठंड काफ़ी यहाँ पे मतलब बढ़ चुकी है, हवा चल रही है, धूप जा चुकी है, तो काफ़ी मतलब जब हम आए थे तो यहाँ पे सनलाइट्स थी, धूप थी, तो वेदर काफ़ी अच्छा था, बट अब लगा कि भाई काफ़ी कोल्ड लगने लगा है। सो चलिए चलते हैं वहाँ पे। और ये मुझे काफ़ी अच्छी जगह लगी, मुझे यहाँ का जो सबसे अच्छा सीन लगा वो मतलब जो यहाँ की ग्रीनरी है, मतलब जो इन्होंने बनाया हुआ है, और जो जो कासल जो है रियाज है वो तो खंडर में तब्दील हो चुके हैं, तो इतना कुछ नहीं है। बट जो आज का वेदर था, मतलब 3 बजे तक वेदर था, वो काफ़ी अच्छा था। इन्जॉय किया, पिक्स वगैरह क्लिक किए, और उसके बाद हमने खाना वाना खाया, और उसके बाद हम निकल रहे हैं किसी यहाँ से दूसरी जगह के लिए। सो अभी यहाँ पे टाइम 4:30 हो चुका है, सो ये 4:30 का टाइम है, और अब यहाँ से निकलेंगे तो थोड़ा बहुत हम स्टे करेंगे दूसरी जगह, क्योंकि यहाँ के जो पास में पीटर हेड है, सो पीटर हेड भी बहुत अच्छी जगह बताते हैं, तो मेरे फ्रेंड्स बोले कि आए हैं तो वो जगह भी अपने को विजिट करना चाहिए, तो चलिए चलते हैं वहाँ पे। राइट ये वाला आगे।
भी उसे तक खुद जाते अगर मुलाकातें गाड़ी जाएगी मैं तो जरा बात। हेलो गाइस, सो ये हम पहुंच चुके हैं बुलर ऑफ बुकॉन्स। तो देख सकते हैं बुलर ऑफ बुकॉन्स। सो मेनली ये जो जगह है, ये जगह फेमस है सीइंग सी बर्ड्स और अदर साइट सीइंग के लिए भी ये फेमस है। सो यहाँ पे हमने अभी जैसे हमारी गाड़ी पार्क की है उसके बाद हम यहाँ से इनसाइड हमें आई थिंक हाफ माइल जाना होगा। हाफ माइल्स के बाद ये जो बुलर ऑफ बुकॉन्स है ये जगह आएगा। सो भाई हम आ चुके हैं बुलर्स एंड बुकॉन्स। सो ये यहाँ का व्यू है जो फर्स्ट व्यू हम यहाँ से देखते हैं। और ये जैसे वेदर चेंज हुआ अभी यहाँ पे जो वेदर हो गया है काफ़ी क्लाउडी वेदर हो चुका है। सो क्लाउडी वेदर में ये काफ़ी सुंदर लग रहा है और वेदर इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर हीयर। सो देख सकते हैं और ये जिस वे में मैं चल रहा हूँ ये वे वहाँ ऊपर तक जाता है। सो आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक और व्यू, ये भी इसका लाइक मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू है, कितना ब्यूटीफुल है। सो आप देख सकते हैं कि इस तरीके के यहाँ पे दो तीन जगह मैंने देखा है और ये काफ़ी है। और यहाँ पे लिसन द वॉइस ऑफ द बर्ड्स लाइक of the castle. So it's like a very main area, like so you can see like the view here. सिटी है ना, ये पुलिस की टेंशन नहीं होगी बढ़िया है। थोड़ा सिटी है क्या है।
चुके हैं घर। सो अभी यहाँ पे 11 o'clock हो चुका है और काफ़ी टायर्ड हो चुके हैं और काफ़ी लॉन्ग डे था आज का। काफ़ी इंजॉय किया दोस्तों के साथ और काफ़ी पिक्स लिए, वीडियोस बनाए। तो ये आज का ट्रिप था एक्चुअली। और अगर आपको ये प्लेस वाकई में अच्छा लगा तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए कि प्लेस कैसा था और यहाँ की आपको क्या चीज़ अच्छी लगी है। और अगर इस तरीके के आप और प्लेस विजिट करना चाहते हैं स्कॉटलैंड में सो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट। सो प्लीज़ एंजॉय विथ मी विजिटिंग स्कॉटलैंड। बाय बाय गाइस।